हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक है वो है हमारा ड्रोन का। ड्रोन DJI Phantom 4, इसको सेटिंग करने का मैं तरीकाकार आपसे शेयर करता हूँ। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये है इसका बॉक्स ओपनिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ड्रोन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले Phantom 4 ड्रोन कैमरा है, और ये है इसका ड्रोन कैमरा। इसमें सारा ये इसके साथ गिम्बल है, ये इसके 4 प्रोपेलर्स के पॉइंट्स हैं। और इसको यूज़ करने से पहले हमने ये सेफ गार्ड उतार देना है, गिम्बल गार्ड। उसके बाद इसको साइड पे रख देना है। बैटरी इसमें ऑलरेडी ये फिक्स है, बैटरी इसमें लगी हुई है। और बैटरी को हमने चेक करने के लिए ये पॉइंट हैं, बैटरी हमारी फिल है। उसके बाद इसके हम प्रोपेलर्स निकालेंगे, ये DJI की कवर में है। और इसके साथ ये प्रोपेलर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो ये किए गए हैं ताकि ये किसी भी किस्म की हर्डल के करीब ना जाए और किसी भी किस्म किसी चीज़ से ये टकरा ना पाए। ये इसके सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखें, ये इसके सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये गिम्बल है, इसको आपने हाथ से मूव नहीं करना, इसको आपने फ्री रहने देना, इसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये इसके प्रोपेलर्स की जगह है और ये इसकी बैटरी है। तो इसमें सबसे पहले ये हमें एमरजेंसी के लिए प्रोपेलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनको हम साइड पर रख देते हैं। 4 प्रोपेलर्स हमने यूज़ करने हैं। तो ये इसके 4 प्रोपेलर्स हैं और ये 3 स्टैंड बाय हैं। इसको सबसे पहले हमने ये क्लॉकवाइज इनको एडजस्ट करना है। ये 2 हैं एक कलर के, इनको क्लॉकवाइज लगाना है। और ये है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को इस ब्लैक के साथ हमने मैच करते हुए इसके साथ हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ ये एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारा ड्रोन फ्लाइंग के लिए रेडी है। उसके बाद ये इसकी एक स्टैंड बाय बैटरी है, ये Phantom 4 हाई कैपेसिटी। 2 बैटरीज हैं, एक हमने बीच में एडजस्ट कर दी है और दूसरी इसके साथ स्टैंड बाई में है। उसके अलावा ये इसका रिमोट कंट्रोल है, इसका ये बेहतरीन एक डिज़ाइन में ये स्टैंड बाई है और स्टैंड है। और ये इसके एंटीनाज हैं, ये इसका कंट्रोल पैनल है। इससे हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये डाउन की तरफ, और इसको लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए। और उसके बाद ये जो दूसरा है इसको हमने स्ट्रेट सा है, इसको हमने फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए, और ये जस्ट हम गिम्बल को मूव करेंगे लेफ्ट और राइट के लिए। ये इसका ऑन का बटन है और ये इसका लैंडिंग का बटन है कि कहीं पे भी अगर इमरजेंसी लैंडिंग का ये हमारा ये बटन है कि अगर बैटरी लो होती है या कोई हर्डल हो जाती है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ड्रोन जहाँ पर भी होगा वो वापस फर्स्ट पॉइंट पर आ जाएगा। ये इसकी लाइट्स हैं। इसके अलावा ये गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए ये स्लो मोशन स्क्रू है, इससे आप गिम्बल को अप डाउन को अप और डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट से। और इसके अलावा ये कस्टमाइज्ड बटन है 2, और ये इसका स्टैंड है। ये रिमोट ओके हो गया। और उसके बाद ये है इसका अडाप्टर, इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे, अडाप्टर के साथ अटैच कर। अभी हमने इसको इसके साथ ये अटैच कर दिया है। ये इसका अडाप्टर है DJI Phantom 4 का। और उसके बाद इसको एक साइड पे स्विच सॉकेट आ गया, और उसके बाद इसको लगाने के लिए ये इसके साथ ऐड कर दी जाएगी और यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करेंगी। ये इसका सारा प्रोसीजर हो गया। तो अभी बारी आती है ड्रोन को फ्लाई करने की। तो इसके लिए इसके साथ मोबाइल अटैच करेंगे। अभी ड्रोन हमारा ऑन हो चुका है, गिम्बल एक्टिव है, उसने अपना एरिया चेक कर लिया है जहाँ पे उसने लैंड करना है। और अभी हम इसको मोबाइल अटैच कर दिया गया है सी टाइप केबल के थ्रू, एंटीनाज ओके हैं, रिमोट को हम ऑन कर चुके हैं। ये देखें, अभी रिमोट को पहले एक बार प्रेस करना है। अभी ये रिमोट है, ये रिमोट का पहले एक बार बटन प्रेस करना है, उसके बाद साथ में ही दूसरा बटन आपने प्रेस कर देना है। और ये रिमोट की लाइट्स ओपन और क्लियर हो गई हैं और ये ऑन हो गया है। तो उसके बाद रिमोट ऑन हो गया है, उसके बाद हम ड्रोन को ऑन करेंगे। इसका पहले एक बार ये बटन प्रेस करेंगे बैटरी, उसके बाद फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे।
ये देखें कैसी इसकी खूबसूरत ऑन होने की आवाज़ है। गिम्बल ओके हो चुका है। और ये ड्रोन कैमरे का खूबसूरत एक लुक है। अभी हम इसको इधर से उठा के इधर नीचे रखते हैं इसको फ्लाई करने के लिए। ये आप इसके सेंसर देख रहे हैं, प्रोपेलर्स लग चुके हैं, गिम्बल ओके है, साथ में इसकी बैटरी फिल है। और इसके बाद ये इसका एक खूबसूरत सा मंजर है। हमने रिमोट के साथ इसको अटैच कर लिया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हम इसको करेंगे स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने का ये तरीका है, ये स्टार्ट हो चुका है। और अभी ये टॉप की तरफ जा रहा है। और हम इसको यूज करने के लिए ये जो ये इसका कंट्रोल है, टॉप ऊपर के लिए, डाउन नीचे के लिए, ये इसको मूवमेंट देने के लिए, लेफ्ट और राइट की मूवमेंट देने के लिए, और ये राइट की मूवमेंट देने के लिए। उसके बाद ये जो इसका कंट्रोल पैनल है इसको हम फॉरवर्ड के लिए, इसको फॉरवर्ड के लिए यूज़ करेंगे। और इसको जब हम पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये रिवर्स के तरफ आएगा। अभी ये ड्रोन की स्लो मोशन मूवमेंट चल रही है। और अभी इसको लैंडिंग के लिए उतारने लगे हैं। ये इसका एक खूबसूरत मंजर। और ये लैंड कर चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।